डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जूलॉजी की जो किताब है जिसमें तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जिसको कि मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, तो फर्स्ट पेपर की बुक का नाम है। सेकंड पेपर की बुक का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और थर्ड पेपर की बुक का नाम है इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जूलॉजी के जो तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड और ये था, तो ये तीनों पेपर्स की जो मार्किंग है ये आपका 33 नंबर का होगा, ये भी आपका 33 नंबर का, और थर्ड पेपर होगा आपका 34 मार्क्स का। तो इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 50 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम 50 नंबर का। इस प्रकार से जूलॉजी का जो टोटल पूर्णांक है वो 150 का होता है। तो हम चर्चा करते हैं जूलॉजी के फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट के सिलेबस के बारे में। तो ये जो फर्स्ट पेपर की जो बुक का नाम है, जिसमें हम जितने भी ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनकी हम यहाँ पर संरचना तथा उनके फंक्शन, उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो इस वाली जो बुक में जो इस सिलेबस के, इसका जो सिलेबस है, तो इसमें ये बुक में ये तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और ये सेक्शन सी। तो ये जो सेक्शन ए है जिसके भीतर ये चार यूनिट हैं, इतनी यूनिट है, चार यूनिट, इसमें फर्स्ट यूनिट है लोकोमोशन, सेकंड यूनिट का नाम है स्केलेटन, और थर्ड है आपका नर्वस सिस्टम, और फोर्थ है आपका सेंस ऑर्गन्स। तो ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, जैसे कि आपने बीएससी पार्ट वन में पढ़ा होगा, बीएससी पार्ट वन में आपने ये देखा होगा कि ये जितने भी वहाँ आपने फाइलमों का फाइलम देखे, कितने भी इनवर्टिब्रेट फाइलम हैं और उसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट से फाइलमों के अंतर्गत में पाए जाने वाले एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो कार्य हैं, उन कार्यों का हम अध्ययन करेंगे इस वाली बुक में। तो जैसा कि लोकोमोशन, चलन क्या है, लोकोमोशन यानी कि एनिमल्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। जैसे हम अपन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये क्या होगा, लोकोमोशन हुआ। इसी प्रकार से जो लोग कुछ एनिमल्स हैं जिनके भीतर लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स फाइलम के अंतर्गत में पाए जाने वाले जंतुओं में, जैसे हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ के भीतर अमीबा है, यूलिना है, पैरामीशियम। तो इन एनिमल्स में जैसे अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो गमन करता है, तो उसमें विशेष प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, और वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होता है, कूटपाद। तो वो ये कूटपाद के द्वारा सूडोपोडिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूडोपोडिया के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या करता है, मूवमेंट, गति करता है। इसी प्रकार से यूलिना, तो यूलिना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला के द्वारा क्या करता है, होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गमन करेगा। इसी प्रकार से पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होना, तो ये लोकोमोशन है फर्स्ट। सेकेंड है आपका स्केलेटन, तो ये जो स्केलेटन है कुछ एनिमल्स में जो एग्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन है, ये किसका बना होता है, इनवर्टिब्रेट्स फाइलमों के अंतर्गत में पाए जाने वाले एनिमल्स में, तो हम स्केलेटन देखेंगे। थर्ड है आपका नर्वस सिस्टम, कुछ यानी कि जो नर्वस सिस्टम है ये कुछ एनिमल्स में जैसे बेल डेवलप
होता है तो उन अपन नर्वस सिस्टम देखेंगे प्रत्येक एनिमल्स का, और ये कुछ सेंस ऑर्गन्स संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, जैसे प्रॉन के भीतर स्टेटोसिस का पाया जाना और पायला के भीतर किसका पाया जाना, ऑस्प्रेडियम का पाया जाना, तो ये क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब इसके बाद में सेक्शन बी, तो सेक्शन ए के भीतर ये चार यूनिट थी, सेक्शन बी के भीतर ये पांच यूनिट हैं, जिसमें फर्स्ट फूड है। तो फूड एनिमल्स हैं, अपन लोग हैं, यानी जीवित रहने के लिए अपन किसकी भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से एनिमल्स भी किस प्रकार से फीडिंग करते हैं, भोजन लेते हैं, और उनका किस प्रकार से उनका डाइजेशन होता है, तो ये पूरा फूड फीडिंग के भीतर अपन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में कुछ ये एनिमल्स में जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पाइला के भीतर जैसे लंग गिल्स का भी पाया जाना और लंग्स का भी पाया जाना, क्योंकि ये एक्वेटिक है और एरियल भी है, ये दोनों प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। इसी प्रकार से प्रॉन के भीतर गिल्स के पाया जाना, और इंसेक्ट के भीतर जैसे क्रेकिया है, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एस्क्रीशन। एस्क्रीशन क्या है कि कुछ एनिमल्स के भीतर जो एस्क्रीटिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे मेल पीजियन ट्यूबल्स हो, चाहे फिलिप सेल्स हो, चाहे ये रीनल पेपिली हो, तो ये जितने भी एस्क्रीटिंग ऑर्गन्स हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का, किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है कुछ एनिमल्स में, तो अपन सर्कुलेशन का इसके भीतर सर्कुलेशन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन कुछ एनिमल्स में जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के भीतर जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है, जिसके भीतर ये आठ यूनिट है, और आठ यूनिट में से फर्स्ट यूनिट है साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकोटेटा। हेमिकोटेटा का आपने नाम सुना होगा, जिसके भीतर बेलेनोग्लोसस को रखा गया है, और हेमिकोटेटा के भीतर जो बेलेनोग्लोसस आता है उसके उसके सामान्य लक्षण क्या है उसका अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। स्पंज का जो कैनाल सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट है पैरासाइटिक एडेप्टेशन इन हेलमिंथी। ये जितने भी ये हेलमिंथी हैं उनके ये किस प्रकार से ये परजीवी अपना अनुकूलन करते हैं, परजीवी चाहे वो एंडोपैरासाइटिक हो चाहे वो एक्टोपैरासाइटिक हो, जिसके भीतर अपन ये हेलमिंथी परजीवी हेलमिंथी हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट एंड हनीबी। ये हनीबी और बी हनीबी के भीतर टर्माइट्स और हनीबी के भीतर अपन क्या देखेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के भीतर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो ऐसा डेवलपमेंट जिसके भीतर कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, सीधे एग से निम्ब का होना, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वल स्टेज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश या एस्केरिया। इसके भीतर जैसे अपन ये देखें ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है एस्केरिया है, तो इसके भीतर किस प्रकार से ये जल संवहन तंत्र पाया जाता है इसका अपन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में क्रस्टेशियन लार्वा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है क्रस्टेशिया, जिसके भीतर ये नौ लार्वा होते हैं, जैसे उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। फिर आता है पैरासाइटिज्म इन क्रस्टेशियन, जितने भी ये पैरासाइटिज्म क्रस्टेशियन है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो ये टोटल आपके में ये तीन सेक्शन है, तो आपके एग्जाम में प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन आएगा। टोटल आपको पांच क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, जिसमें नौ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, बाकी के चार क्वेश्चन
तीन क्वेश्चन तो आपको ये प्रीति सेक्शन में से करने पड़ेंगे, और चौथा क्वेश्चन जो होता है जो आपकी चॉइस के आधार पर तीनों सेक्शन में से आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपको एग्जाम पेपर में चार क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोकोमोशन के बारे में बताऊंगा, ये जो लोकोमोशन की डेफिनेशन क्या है, और फिर इसके बाद में जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं जैसे कूटपाद, फ्लैजिला, सीलिया, पैरापोडिया, फुट और ये ट्यूब फिट, इन सभी का अपन लोकोमोटिव ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे। और ये जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं किन किन एनिमल्स में पाए जाते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, और ये किस प्रकार से लोकोमोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।